निजर कांड में एक और गिरफ्तारी, चौथा आरोपी अमनदीप सिंह गिरफ्तार, कनाडा पुलिस ने कुल चार को किया गिरफ्तार, खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निजर की जान लेने का मामला फिर एक बार चर्चा में है। कनाडा पुलिस ने शनिवार 12 मई को बताया कि मामले से जुड़े चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध भारतीय आरोपी की पहचान 22 साल के अमनदीप सिंह के रूप में हुई है। ब्रिटिश कोलंबिया में इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम यानी IHIT के अनुसार अमनदीप सिंह पहले से ही हथियारों से जुड़े मामले में लगे आरोपों के लिए ओंटारियो में हिरासत में था। अमनदीप को अब खालिस्तानी समर्थक और कनाडाई निवासी निज्जर की जान लेने के संलिप्तता का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया गया है। वहीं बीते दिनों मामले से जुड़े तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। निज्जर केस में अमनदीप से पहले कनाडा पुलिस ने करण बराड़, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। निज्जर कांड में कनाडा में गिरफ्तार तीन भारतीयों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी बयान दिया था। मंत्रालय ने कहा था कि इसको लेकर हमें कोई सबूत या जानकारी नहीं दी गई है। कनाडा ने हमें गिरफ्तारी के बारे में तो सूचित किया है, लेकिन हमें कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं दिया गया है। बता दें कि खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की बीते साल 18 जून को कनाडा के एक गुरुद्वारे के बाहर गोली से जान ले ली गई थी, जिसके बाद कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने भारत को सवालों के घेरे में खड़ा किया था। उन्होंने संसद में आरोप लगाते हुए कहा था कि सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की जान के पीछे भारत का हाथ है। ट्रूडो ने भारत की भूमिका पर सवाल उठाया था और मामले को लेकर जांच में सहयोग करने को कहा था। हालांकि भारत ने कनाडा के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया था और भारत ने कहा था कि वह जाँच से नहीं भाग रहा, लेकिन बिना सबूत के कोई भी आरोप मढ़ देना बेवजह विवाद को जन्म देना है। बता दें कि कनाडा को अलगाववादियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। ट्रूडो सरकार पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि वह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते सिख अलगाववादी नेताओं को पालने का काम करते हैं। भारत ने इसको लेकर कई बार कनाडा को कड़े शब्दों में कार्रवाई करने को भी कहा है, लेकिन ट्रूडो सरकार ने कभी सिख अलगाववादियों को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाए। हालांकि कनाडाई पुलिस ने भारत से किसी भी संबंध का कोई सबूत नहीं दिया है, जैसा कि कनाडाई मीडिया में अनुमान लगाया जा रहा था। बहरहाल देखना होगा मामले में आगे क्या कुछ सामने निकल कर आता है, गिरफ्तार आरोपी क्या कुछ खुलासे करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।